सगळ्यात जास्त खूप आवडलं की अगदी अंगणच्या उन्हामध्ये सुद्धा जो अन्नवनाचा भाग होता तो हिरवागार होता आणि पुढे जाऊन सुद्धा जास्तीत जास्त पृथ्वी ह्याचा भाग बनावा एवढी इच्छा. मैं किसान हूँ, मैं एक फार्मर हूँ. आप में से कितने लोग ये बिलीव कर पाएंगे? दो हाथ, तीन हाथ, ठीक है. नहीं लगता ना मुझे देख के. दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर कंट्री. जब हम बोलते हैं किसान, क्या आता है दिमाग में? कोई मेले फटे कपड़े पहने हुआ, रोता हुआ, गरीब. क्यों है आज फार्मिंग की ये कंडीशन? ये जो एक रोतली सूरत है ना फार्मिंग की, उसको बदलना पड़ेगा. जब मैंने आपको पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, एक और सवाल, आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? क्या सोचा था इंजीनियरिंग करने के पहले? कोई ऐसा जिसने कुछ नहीं सोचा था इंजीनियरिंग क्यों करना है? एडमिशन मिला आगे. यही है आज किसान भी जो कर रहा है ना, वो क्यों कर रहा है उसको पता नहीं है, वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं है. वी कलेक्टिवली एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग व्हाई इन आवर लाइफ. हम ना वो हाउ के पीछे इतना भाग रहे ना, क्या क्या कैसे करना है, मार्क्स कैसे कमाऊं, प्लेसमेंट कैसे लूं, पैसे कैसे कमाऊं, वो कैसे, वो थोड़ा बाजू में हटके क्यों पे हम जब आएंगे ना तो पूरा पिक्चर ही पलट जाएगा. जब एक किसान सोचता है कि क्यों कर रहा हूं मैं खेती, तब वो कैसे कर रहा है खेती वो बदल जाएगा. ये मैं किसान हूं, कोई और है किसान, वो जिस तरीके से करता है, मैं जिस तरीके से करती हूँ, वो अलग हमारे क्यू के वजह से ही है. एनवायरनमेंट के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, वी ऑल वांट टू सेव एनवायरनमेंट, डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट. क्या करना है हमको? व्हाट डू वी वांट टू डू विद एनवायरनमेंट? एनीबॉडी, व्हाट डू यू वांट टू डू विद एनवायरनमेंट? रिड्यूस पॉल्यूशन. सेव द प्लैनेट किसको करना है? सबको प्लैनेट सेव करना है. यहां से अगर हम बाहर निकलेंगे, हाँ, बस का स्ट्राइक हो गया, रिक्शा का स्ट्राइक हो गया, समझो सेव कर पाओगे खुद को, घर पहुंच पाओगे? हाँ, पर हमको सेव द प्लैनेट करना है. मेरे लिए ना, मैंने एडवर्टाइजिंग क्यों छोड़ा, क्यों किया, इसका मेरे पास भी जवाब नहीं है. मैं भी आप जैसे थी, मिल गया एडमिशन, चली गई. एक क्यू था, मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, किसी ने बोला एडवर्टाइजिंग में फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाया. सिखाया वो लोग ने एक चीज बहुत अच्छे से सिखाया, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का ये फंडामेंटल रूल है, क्लाइंट को 10 बार वाई पूछो, क्यों बेच लो ये. बाहर से मैंने खुद को पूछना चालू किया, क्यों कर रही हूं मैं ये, माई वाई शिफ्टेड फ्रॉम वॉन्टिंग टू सेव द एनवायरमेंट टू वॉन्टिंग टू लिव इन एनवायरमेंट. आई वॉन्टेड टू एंजॉय एनवायरमेंट, आई वॉन्टेड टू अब्सॉर्ब इट, टू यू नो सी द मैजिक इन एनवायरमेंट, हेल्प मी फ्लरिश एज अ ह्यूमन बींग. तो फार्मिंग मेरा फर्स्ट ऑप्शन नहीं था, पर आज अगर हमको एनवायरनमेंट सेव करना है तो क्या हम ये सब बंद करके जाते हैं जंगल में, लेट्स बिकम आदिवासीज एंड लिव लाइक फॉरेस्ट ड्वेलर्स? इज इट पॉसिबल फॉर इवन 1% इन दिस रूम? मे बी 1%, बट फॉर 99 पीपल इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो फिर ऑप्शन क्या है? फार्मिंग इज द इंटरमिटेंट स्टेप.
हम जंगल में रहते थे, आदि मानव थे, राइट, पढ़ा हम सबने ये स्कूल में। फिर सिविलाइजेशन आया किसके दम पे, फार्मिंग के दम पे, फिर हम आ गए। तो वही अगर हमको दैट लार्जर एनवायरनमेंट के पास अगर थोड़ा भी वापस जाना है तो बीच में वही है, पीछे जाने का रास्ता भी वही है, इट इज फार्मिंग। नाउ हाउ टू डू दिस फार्मिंग as a farmer, when I say that I want to enjoy environment, I want to live environment, I want to wake up every morning and watch the sunset, not have some building block it, wo mera responsibility ban jata hai then to observe environment, to observe the nature and then implement that in my farming, you know, which is what we have done with these farmers. The system that we have used, it's called permaculture. It means permanent agriculture. मतलब तुम एक बार देख लो, it's biomimicry. ये word किसको पता है? Biomimicry. Bullet train किस चीज को design देख के design की गई? Aeroplanes किसको देख के design की गए? Birds are a bioelement. They are living beings, they are a part of nature. उसको देख के, उसको mimic करके aeroplane बनाया, dolphins को mimic करके bullet train बनाया। Biomimicry today happens to be one of the most remunerative profit making industries in the world. किसी भी field में ले लो, engineering में ले लो, medical science में ले लो, just go anywhere with it. तो ये biomimicry farming में नहीं कर सकते हम? क्यों बार बार हम जाके उठ के किसान को बोलते हैं ये एनपीके कम है, ये डालो यूरिया डालो, ये कम है वो कम है? बेसिकली द फंडामेंटल थिंग इज स्टार्ट आस्किंग व्हाई, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू वांट टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, व्हाई यू वांट टू डू समथिंग। द एनवायरनमेंट गिव्स यू आंसर्स। फार्मर को मैंने यहाँ पे क्यों मुद्दा रखा है, ठीक है, अगर कितने लोगों को ऐसा लगता है अभी भी कि इट इज अ डिसोसिएटेड कॉन्वर्जेशन, कि हम तो भाई एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए आए थे। एनवायरनमेंट का मतलब कितने लोगों को समझ में आता है, कोई बता सकता है? किसी को लग रहा है ये बहुत डिसोसिएटेड टॉपिक है? आप क्या अपेक्षा लेके आज मतलब एनवायरनमेंट पे एक सेशन होने वाला है, आपने क्या अपेक्षा रखी थी, क्या क्या सुनने मिलेगा, क्या सीखने मिलेगा? आप में से कितने लोग अवेयर है कि मुंबई में आर ए फॉरेस्ट, आर ए सेव आर ए प्रोटेस्ट हुए थे मेट्रो शेड के लिए? नो, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी और आई एम नॉट लाइक सेइंग कि हमको आदिवासियों के जैसे ही रहना चाहिए, बट बैलेंस दिख रहा है क्या? आज मुंबई का कितना परसेंटेज ऑफ एरिया इज अंडर नेचुरल कवर एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ एरिया इज अंडर slum cover and concrete cover and constructions. So ये technology, आप सब engineering students हो, कल को जाके आप technology में ही हाथ बटाओगे, तो अगर आप आज आप खुद को why नहीं पूछोगे, why am I engineering something, why am I designing or innovating something, maybe not all of you will get to innovate or research, but those who do, if you ask the question why, what is the answer you expect? What is that? Just take 2 minutes right now and just think, why am I doing engineering? आप कौन से ईयर में हो? थर्ड ईयर। 3 साल थे आपके पास क्विट करने के लिए, अभी एक ही साल बचा है, राइट? पर अभी भी टिके हुए हो, क्यों टिके हुए हो? कोई मेरे को अंबानी अंबानी कुछ सुनाई दे रहा, क्या क्या हो रहा है? अंबानी बनना है, अंबानी मानेंगे ऑफकोर्स। व्हेन इंजीनियर्स ऑल्सो थिंक व्हाट दे आर डूइंग व्हेन दे आर डिजाइनिंग और व्हाट दे आर डूइंग, क्या सोचते हैं? यूजुअली इंसान यही सोचता है ना कि मेरा भी नाम आएगा आइंस्टाइन के बाजू में, फिर वो बोलेगा ठीक है नहीं मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, तो लेट मी इनोवेट समथिंग।
वो इनोवेशन के पीछे भी क्या फंडामेंटल रहता है, आई विल सेव द प्लैनेट, या वॉट एवर आई एम डिजाइनिंग, ये स्केलेबल है क्या? स्केलेबिलिटी की तो बीमारी लग गई है पूरी दुनिया को. एनवायरमेंट में कौन सी ऐसी चीज है जो एक ही चीज है, स्केलेबल है और पूरी प्लैनेट पे सब वही है, सेम है? उसको लोकस्ट बोलते हैं. जब लोकस्ट आते हैं तब क्या होता है? वायरस बोलते हैं. वायरस आता है तो क्या होता है? तो डाइवर्सिटी, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा. दिस फंडामेंटल व्हाई ब्रिंग्स अस बैक टू फार्मिंग, विच इज द दाया. पता है दाया, मिडवाइव्स, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड बर्थ. उनका जो काम है वो सेक्रेड माना जाता है. वो एक नए जिंदगी को लेके आते हैं दुनिया में. तो किसान क्या अलग कर रहे हैं? वो नई जिंदगी को दुनिया में लेके भी आ रहा है, जिसको खाके सारी जिंदगियां जी रही है. दैट इज द सेक्रेडनेस ऑफ हिज वर्क. पर नहीं, हम क्या करते हैं? किसान को ये करना चाहिए, किसान को वो करना चाहिए, हम उसको ही सिखाने जाते हैं. फार्मिंग का और आपका कुछ नाता है ऐसे लगता है आपको? क्या नाता है? आप किसान फैमिली से हो? जोर से बोलना. कहाँ से हो आप? अरे वाह, आई हैव बीन देयर 3 times. तो घर पे, वहाँ पे, अभी गांव में खेती होती है अभी. तो आप कब से मुंबई में, कब से रह रहे हो आप खुद? 8 years. तो आपको कभी मन किया वापस जाके आई विल डू फार्मिंग? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ. हंसना क्यों है? उस पे भी आएंगे, मेरे को पता है आप क्यों हंस रहे हो. तो यू वॉन्ट टू गो बैक एंड डू फार्मिंग. तो इंजीनियरिंग का फार्मिंग में क्या इस्तेमाल करोगे? अब्बा को खुश करने. मेरा बेटा डिग्री लेके आया है. आप जब भी आए यहाँ पे कॉलेज में या शहर में, आपको ऐसे लगा कि मैं किधर आ गया, कोई मुझे देखता नहीं है, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये बहुत अलग दुनिया है, मुझसे सहा नहीं जाता, ऐसे लगता है आपको? ये रीजन है कि आज खेती की ये सूरत है. जो खेती करता है उसको खुद को पता नहीं है कि उसका काम कितना बड़ा है, उसको खुद को पता नहीं है कि उसका रिस्पेक्ट कितना होना चाहिए. हाउ यू कैन हेल्प अ फार्मर, जब पूछते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि यार सब्सिडीज दे दो, हाँ केमिकल सब पेस्टिसाइड्स पे सब्सिडीज दे दो, लोन माफ कर दो, बारिश ज़्यादा हुई पैसे दो, बारिश कम हुई पैसे दो. बेसिकली क्या है? खुद को करप्शन करने के लिए रास्ते और बढ़ा के रखो. अगर फार्मर को सच में हेल्प करना है, जो एक कम्युनिटी है, ये पूरे सारे सेक्टर्स आप देख लो, ये एक कम्युनिटी है जो एवरीडे नेचर को वर्शिप करता है, एवरीडे नेचर को सर्विस करता है. उसको अगर सच में हेल्प करना है तो उसकी इज्जत करो. और इज्जत करने का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट. किसी को रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि उसको सर पे बैठा के नाचो. उसके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट उसको समझ में आए, उसके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाए, उस हद तक उसको लाके रखो. दैट इज कॉल्ड गिविंग रिस्पेक्ट. व्हेन वी वर्क विद दिस फार्मर्स, हम एक एक के घर पे गए, हमने पूरा पूरा दिन उनके साथ बैठ के बातें की, क्या खाते हो, क्या करते हो, कैसे जीते हो, सब देखा. और ऐसे नहीं कि you know that there is also a sense of voyeurism when you go to rural spaces and
एंड यू नो लिव विद दोस पीपल एंड सी हाउ दे लिव. वो सेंस ऑफ वॉयरिज्म से नहीं जाना है कि हम तो शहर से हैं, हम पढ़ लिख के हैं तो हमको बहुत ज्यादा पता है. एक किसान जिसका एजुकेशन से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे समझते हैं लोग. बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई फॉरगॉट हिज नेम. ही हैज पास्ड अवे क्वाइट अ फ्यू इयर्स अगो. ही वाज अवॉर्डेड पद्म भूषण एंड कंसिडर्ड द साइंटिस्ट. वो एक अनपढ़ किसान थे और उन्होंने राइस में इतने सारे हाइब्रिड सीड्स का ये किया था, मतलब सिलेक्शन के. देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज यू सिलेक्ट सीड्स एंड यू प्रोपोगेट दो सीड्स बिकॉज यू वांट दो. इट्स लाइक ब्रीडिंग, व्हेन ब्रीडिंग फॉर द बेस्ट सीड बेसिकली. उनको कुछ पढ़े लिखे नहीं थे वो. ये जो मोनसेंटो लैब में कर रहा है वो अपने खेतों में कर रहे थे विदाउट इन्वेडिंग एनी अदर नेचुरल प्रोसेस और इन डिस्टर्बिंग एनी अदर स्पीशीज. उसको रिस्पेक्ट दो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आपको लगा रहेगा मैं खेती नहीं कर सकती बिकॉज आई एम ड्रेस्ड लाइक दिस. द इयररिंग्स दैट आई एम वेयरिंग दे आर मेड फ्रॉम सीड्स ऑफ करंज ट्री. दिस इज अ कॉटन साड़ी डाइड इन इंडिगो प्लांट का डाई. This is a cotton t-shirt. It is talking about seeds. एक किसान के लाइफ में आर्ट भी है. There is art, there is culture, there is music. हर प्रोसेस के लिए गाने हैं. पानी के लिए गाना है, बीज डालने के लिए गाना है, जब प्लांट उगता है, बारिश होती है उसके लिए गाना है, हार्वेस्टिंग होता है उसके लिए अलग गाना है. उसके लिए तो हम त्योहार भी है, सिर्फ गाने नहीं है. हर प्रोसेस के लिए त्योहार भी है. बहुत समृद्ध लाइफस्टाइल है वो. होलिस्टिक होलिस्टिक का जो नारा हम करते हैं ना, ये एक्चुअली होलिस्टिक है. और ये किधर से आता है, ये क्रिएटिविटी किधर से आती है? अब एक आप अगर ध्यान से अगर वो फिल्म देखी रहेगी, लेडी बर्ड के ऊपर का जो कलर है, जो पैटर्न है, पत्तों के ऊपर का, फूलों के ऊपर का, इतनी द मोस्ट फ्लॉलेस क्रिएटर हु क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, उसके सबसे नज़दीक रहते हैं ये लोग, उसकी क्रिएटिविटी पल पल देखते हैं ये लोग. ये क्रिएटिव नहीं होंगे खुद? हर सेक्टर को आप देख लो, डॉक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, टीचिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसका फंडामेंटल सपोर्ट, फंडामेंटल बेस फार्मिंग से नहीं आता, किसान परिवार से है. जो नहीं है किसान परिवार से, उनका कोई रिश्ता नहीं है खेती से. सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? खाना. दिन में तीन टाइम चार टाइम खाना चाहिए ना, किसी किसी को तो पांच टाइम भी चाहिए. फैशन इंडस्ट्री है, कॉटन नहीं उगाएंगे कहाँ से जिएगी वो इंडस्ट्री? पानी नदियों का खींच खींच के, चलो मैं बोलो मैं पॉलिएस्टर ही, सिर्फ पॉलिएस्टर के कपड़े बनाऊंगी, पानी तो लग रहा है ना तुमको. डाई करने के लिए पिगमेंट्स जो चाहिए वो माइन तो कर ही रहे हो ना तुम, प्लांट से ले ही रहे हो ना तुम. कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको जिसका कोई लेना देना नहीं है? फार्मिंग से भी नहीं, एनवायरमेंट से भी नहीं, कोई लेना देना नहीं है. वो एकदम सेल्फ सस्टेनेबल है, उसको जो चाहिए वो विदाउट एनवायरनमेंट मिल जा रहा है. उसको ऐसा पार्ट नहीं है जो एनवायरनमेंट या फार्मिंग से नहीं मिलता उसको. आप लोग सोच रहे हो कि नहीं है, मतलब नहीं है तो बोलो नहीं है. पक्का? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सब एनवायरनमेंट से ही आता है. मेटल माइनिंग तभी कर पाओगे ना जब किसान को उसकी जमीन से हटाओगे. तो जो इंडस्ट्री सारे दुनिया के सारे इंडस्ट्रीज को एक्टिवली या पैसिवली सपोर्ट कर रहा है, तो वो खुद को सपोर्ट करने की क्षमता नहीं रख सकता? फार्मिंग इंडस्ट्री शुड बी द मोस्ट रेम्यूनरेटिव इंडस्ट्री टेक्निकली स्पीकिंग. यू नो व्हाई?
अब बैंकिंग स्टूडेंट्स नहीं हो बस आपके बैंक अकाउंट से कोई ऐसा बैंक है या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है या शेयर ट्रेडिंग जो भी है जिसमें आपको 100-1000% रिटर्न्स मिलता है। आप 1 रुपया इन्वेस्ट करो तुमको 1000 रुपये मिलेंगे। खेती में आप 1 सीड डालो आपको 1000 कभी बिलियन सीड्स मिलते हैं वो 1 सीड के वजह से। आप प्रोडक्शन आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और प्रोडक्शन यूनिट समझते हो कौन सा ऐसा प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें आप जितना इनपुट्स डालते हो मिनिमम उतने ही आउटपुट्स इनफैक्ट उससे ज्यादा आउटपुट्स आते हो। आप 3 इनपुट्स डालते हो किसान अपने जेब से 3 इनपुट्स डालता है बेसिकली वो केमिकल पेस्टिसाइड का बारे में रखना मिट्टी बीज पानी। और दुनिया में ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसके मिनिमम 3-5 यूसेजेस नहीं हो। 3 तो कम ही है ज्यादा ही होते हैं खाने के लिए कभी फैब्रिक के लिए कभी डाई के लिए कभी दवाई के लिए कभी कुछ और। वो एक प्लांट से कभी कॉम्पोस्ट कुछ नहीं तो कॉम्पोस्ट। सो नो प्रोडक्शन यूनिट किसी कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम का डिजाइन ले लो इधर से 3 चीजें डाली इधर से 10-12 निकली ऐसा होता ही नहीं है। यू पुट 10-15 रिसोर्सेज यू गेट 1 प्रोडक्ट। सो देन व्हाई इज दिस फेलिंग दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स एंड द आंसर टू दैट इज वी कलेक्टिव आर अ सिस्टम। सिस्टम डिजाइन के कोई स्टूडेंट है सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट तो होगा आपको। एक मशीन बनाई आपने ठीक है वो मशीन एक सिस्टम है वो मशीन में एक एक पार्ट है वो सिंगल यूनिट्स हो गए। अब वो हर यूनिट का अपना अपना एक फंक्शन है वो फंक्शन अगर वो यूनिट सही तरीके से करते रहेगा तो सिस्टम एनहेंस होते रहेगा काम करते रहेगा राइट। तो यूनिट का काम क्या है मेरा जो मेरे को जो फंक्शन बोला है मेरे को बस उतना ही करना है मेरे को अपना ज्यादा बाकी कुछ सोचना नहीं है राइट। सिस्टम का काम क्या है वो यूनिट पे वो फंक्शन के अलावा दूसरा और कोई प्रेशर नहीं आए इसकी जिम्मेदारी वो सिस्टम लेता है वो सुविधा क्रिएट करके रखता है उस सिंगल यूनिट के लिए कि भाई तू अपना काम अच्छे से करते रहे मैं देखता हूँ तेरी जो जरूरत है वो मैं पूरी करता हूँ तू बस अपना काम कर। सो वी आर द सिस्टम दैट सिंगल यूनिट इज द फार्मर एंड द अपॉइंटेड फंक्शन इज फार्मिंग एंड वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आर फार्मर्स वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आर एनवायरमेंट वी हैव नॉट accepted, recognized, identified that environmental health is the fundamental need of this entire system. उसके बिना सिस्टम ही नहीं है। No, I do in several places. I usually collaborate with somebody. तो Earth Forever के साथ I was in collaboration. Now recently I was in collaboration in Dhule with थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। यज्ञांग सत्यग्रही शेती दे कॉल देमसेल्स ये प्रांतली बोरसे करके एक लेडी है उन्होंने शुरू किया है वो पुणे में पढ़ी पली है शी इज ऑल्सो एजुकेटेड बट शी वेंट बैक टू हर फार्म इन धुले इन हर गाँव नेटिव और उन बच्चों के साथ कोविड में किसी का कुछ स्कूलिंग हो नहीं रहा था सो शी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि फार्मिंग से सिर्फ ग्रॉस प्रोडक्ट्स नहीं निकलने चाहिए चावल निकला अनाज निकला दोज आर ग्रॉस प्रोडक्ट्स है ना दे आर फिजिकली टैंजिबल। शी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि आर्टिस्टिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स सटल फार्मिंग प्रोडक्ट्स दे कॉल ये का ये इयर रिंग्स उनके हैं दे केम अप विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फार्मिंग प्रोडक्ट्स। तो ये टी शर्ट जो मैं आज पहन के आई हूँ सीड टॉप तो ये उनका नया अभी शुरू होने वाला है where they are going to engage with more and more people from farming backgrounds, from non-farming backgrounds, have educational platforms for it. So,
there is a lot of work going on in very pockets. So there are many things. आप निकलोगे ना बाहर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इससे थोड़ा आप बाहर जाओगे ना बैंगलोर, तो यू विल सी दैट इवन टुडे 90% ऑफ इंडिया इज वेरी मच रूटेड इन फार्मिंग, इट्स वेरी मच रूटेड विद द एनवायरनमेंट. हमको हम जब बोलते हैं कि सेव प्लैनेट, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, सेव वाटर, सेव सॉइल, मैं सुन सुन के परेशान हो गई हूँ. आपने देखे पोस्टर्स? हाँ, ये पोस्टर्स कहाँ पे दिखते हैं आपको? सिटीज में, जहाँ पे सॉइल ही नहीं है, मैं क्या सेव करूँ? और जो ये बोल रहे हैं उनको एक बार सवाल करना, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द एक्टिविटी, व्हाट डज इट लुक लाइक टू सेव सॉइल, गिव मी समथिंग टैंजिबल ना. सेव सॉइल क्या है, करना क्या है मुझे बताओ, जवाब मिलेगा. दिस इज वाई आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू पीपल टुडे, क्योंकि आप लोगों ने, आप लोगों के अंदर सवाल है पर आपने उनको दबा के रखे हैं. ये मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहे हो, बोल नहीं रहे हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है इस बात का, क्योंकि मुझे पता है अंदर सब सोच रहे हो, लेकिन वो बिहेवियर ही कभी कल्टिवेट नहीं किया. मासानोबु फुकुओका, ही इज अपेरेंटली द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ही इज अ जापानीज साइंटिस्ट, उनका एक बुक है वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, वॉज वेरी इम्पैक्टफुल फॉर मी. उसमें एक सेंटेंस है, फार्मिंग इज नॉट जस्ट कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स, इट इज कल्टिवेटिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स. और ये शायद मुझ जैसे बड़े लिखे फार्मर्स, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम लकी टू हैव बीन बॉर्न इन अ गुड फैमिली, यू हैव बीन ऑल्सो लकी, घर है, खाना है, एजुकेशन है, so I feel like it is now our job to cultivate human minds. मैं ये नहीं बोलूँगी सब उठ के खेती करने शुरू कर दो, पर environment के साथ इस intermittent जो जरिया है environment तक पहुँचने का, इसके साथ मेरा एक relationship है. वो relationship के बारे में अगर आप every day सुबह उठ के अगर just being aware of that, लोग lot of things will change for you in your life. Simple things that you do in your life. मैं चाय पीना मैंने छोड़ दिया. क्यों पीना है चाय? क्या मिल रहा है मुझे चाय पीने से? दूध. दूध पीना गलत नहीं है, पर वो कहाँ से आता है ये समझना तो चाहिए ना. मैं जो पी रही हूँ वो दूध कहाँ से आता है? पानी के बॉटल्स यहाँ पे लाके रखे हैं. I'll not get into negatively stabbing you people, but this is a very good gesture कि भाई मेहमान आया उसको पानी दो time पे, travel करके आया है जो भी है, तो हमारा intention कभी गलत नहीं होता, इतना समझ लो, पर हमारा जरिया गलत हो सकता है. The how without the backup of why is very dangerous. It is written in Bible. The path to hell is paved by good intentions. You all have very good intentions, but they all are distorted. Existing farmers, helping them as an organization, it is charity. Yeah. I mean, but like if आगे जाके समझो, let's suppose मुझे, if I'm a normal engineer student and समझो अगर मुझे करने का है farming, okay? So what is the business model of farming basically? Like, why should I go for farming instead of pursuing my career in engineering where I would get paid around like 8 to 9 lakhs per year? So why should I personally leave this life and go towards farming? What are the benefits financially? What are the benefits? इसका मैं आंसर दे सकती हूँ. Why should you leave your aspiration of 8 lakhs and go to farming? इसका जवाब मैं आपको ही पूछूंगी. आप थोड़ा टाइम लो, सोचो, बोलो why.
मैं तो एज एन इंडिविजुअल आई कैन नॉट टेल यू व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ ना. 90% ऑफ पीपल स्टूडेंट्स सेलिंग ओवर हियर ओके एंड इफ यू आर टॉकिंग कलेक्टिवली 90% ऑफ स्टूडेंट्स इन जनरल आर इंटरेस्टेड इन मनी. आई बेट दैट इधर जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं मैक्सिमम का गोल यही है कि 9 टू 10 लाख का सैलरी मिल जाए पैकेज मिल जाए. दैट इज द मेन गोल ऑफ बेसिकली ऑल द इंजीनियर्स राइट नाउ राइट. सो व्हाट इफ वी फाइंड अ वे व्हाट इफ वी इंट्रोड्यूस अ बिजनेस मॉडल फार्मिंग के साइड पे एक पाथ फॉर इंजीनियर्स बिकॉज एवरी वन आर मनी माइंडेड हियर. लाइक कोई इतना सोचता नहीं है कि मतलब मैं फार्मिंग करूंगा सो एनवायरमेंट बचेगा मुझे से पैसा कितना आ रहा है उससे मैटर ज़्यादा मतलब रियलिटी वो है. सो व्हाट इफ वी क्रिएट अ पाथ लाइक उसमें भी व्हाट इफ वी फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज इन दैट सेक्टर फॉर पीपल लाइक अस पीपल लाइक हु ग्रो अप इन सिटीज हु हैव नो टच विद फार्मिंग बट आर इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड कैन लर्न फार्मिंग लाइक दिस. लॉट ऑफ थॉट्स गॉट इन माय हेड. First of all, the intelligent and learned people are the ones who cannot learn farming like this. और ये बताने से अच्छा मैं आपको फार्म पे लेके जाना पसंद करूँगी किसी दिन. वो जो हल होता है ना मैंने तो आज तक जिंदगी में कोशिश भी नहीं की उठाने की. औरतों का काम भी नहीं है वो. मैंने बाकी के काम किए हैं. हालत पसली हो जाती है. और मेरा काम हो इसके पीछे का अगर इंटेंशन क्लियर हो ना ये तो कॉज एंड इफेक्ट है. ये तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट है. इसके पीछे का इंटेंशन अगर क्लियर हो तो यू हैव टू वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग. एज एन इंजीनियर आई विल कम अप विद सम रियली फैंसी ट्रैक्टर extremely efficient machinery and I will do the tilling. Uska repercussions long term mein kya hota hai? It kills the microbes in the soil. Right? It is very expensive. Not everybody can afford it. So many other things. Dusra kya hai? I use techniques which mimic the natural systems. Jungle mein koi jaake hal chalata hai kya? Ug raha hai na sab kuch. जंगल में बारिश खत्म होने के बाद पानी डालने जाते हैं. चलो ऐसा कोई किया है किसी ने? उग रहा ना सब कुछ. सो परमाकल्चर इज द सिस्टम दैट वी यूज विच मिमिक्स द फॉरेस्ट सिस्टम. फॉरेस्ट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम. वह उसका कोई वेस्टेज नहीं है. इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ साइक्लिक सिस्टम जिसमें सिर्फ ग्रोथ ही है. वो बढ़ते जाते हैं. उसका जो उत्पादन है प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ते ही जाता है. So we follow that, we see that and we do but that. But the gross yield is very low for permaculture ka because either kaisa we manipulate and we grow a lot of crop, I mean capital, in few period of time, short period of time. That is the basic idea of the business agar karna chaha to farming ke liye. But agar ye aapko kisne bataya? Maximum matlab aise hi rehta hai na ki ek paise kamane hai. Nahi, par permaculture mein yield kam rehta hai. Ye तो किधर से पता चला? Because then we would have to be dependent on the thing, like जो nature में होता है, उसके ऊपर we have to depend. Even if you manipulate, ultimately you have to be dependent on the nature. There are certain aspects that you cannot manipulate. Okay. Right? The very fact that life enters matter, you cannot. No man has been able to recreate that. तुम चाहे जितना recreate कर लो, चाहे जितना manipulate कर लो. The ultimate part of life enters matter. You cannot recreate. So you are at the core. Jitna deep jaoge, kahi pe jaake to phasoge because the fundamental thing that is needed, you cannot manipulate. Rahi baat money mindedness ki. तो आज जो हम ये condition पे पहुंचे हैं कि हमको बोलना पड़ रहा है कि environment बचाओ, ये उसी mindset का result है. ये अगर हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ये मुद्दा ही छोड़ दो. डोंट सेव एनवायरनमेंट, यू मेक योर मनी, इट्स ओके. डोंट से दिस एक्सट्रीमली कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स इन द वन प्लेस. यू नो व्हेन यू से परमाकल्चर का यील्ड कम है, आज यूएस में पूरे यूरोप में फार्मर्स का स्ट्राइक हो रहा है. वो लोग हजारों हजारों टन का गेहूं उगाते हैं
वो 1000 टन का गेहूँ, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? उसमें एक बार एक कोई तो वायरस लग जाता है, 1000 टन गॉन. What the amount of profits you chase is the amount of loss you need to be prepared for. Who is thinking about that? Right? जिनको 8 lakhs का पैकेज और फार्मिंग के बीच में कंफ्यूजन है. आज इंजीनियरिंग में ट्रेंड आते गए. एक बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉज ऑन द राइज, सिविल इंजीनियरिंग वॉज ऑन द राइज, टेलीकम्युनिकेशन वॉज ऑन द राइज. अब फिर बट सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट इज कंसिस्टेंटली ऑन द राइज एंड सी, राइट. अब एक दूसरा ट्रेंड आ रहा है, इंजीनियरिंग कर लिया 20 साल 15 साल, पैकेज का पूरा फायदा ले लिया, नाउ दे आर गोइंग बैक टू फार्मिंग. देर आर सो मेनी इंजीनियर्स, न्यूज में देखना, जॉब छोड़ दिया खेती के बाद. बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आर्टिकल आते हैं उनके बारे में. कहीं पर तो इंसान को पता चल रहा है ना कि मैंने पैसे कमा के वो गवाने ही है, बिकॉज माई लाइफ स्टाइल इज फक. सॉरी. सो इधर क्या है, आई एम डूइंग दैट फार्मिंग. वो जो लीकेजेस है ना, फाइनेंशियल लीकेजेस क्या क्या है आपके लाइफ में? फाइनेंशियल लीकेजेस क्या क्या है? डू यू अंडरस्टैंड द टर्म फाइनेंशियल लीकेजेस? नॉट जस्ट अननेसेसरी, समटाइम्स अननेसेसरी ऑल्सो. Lifestyle expenses, education loan, travel, sorry, health issues, family unexpected emergencies, food costs. अब ये अगर 10 financial leakages है, उसमें से 5 अगर मैं अपने ही घर में मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे इनकम कम है ये दिखाई देता है, पर फाइनेंशियल लीकेजेस भी तो कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो ज्यादा है, हैप्पीनेस क्वोशेंट ज्यादा है. सो दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका जवाब मैं नहीं दे सकती. सो दीज आर द टू पिक्चर्स, यू मेक योर चॉइस एंड मेक इट बोल्डली. Then don't regret कि ये कि वो. उसके लिए वो why is necessary. मैंने advertising छोड़ के एक दिन भी regret नहीं किया. मेरे को घर से pressure नहीं था. My parents used to send me bank openings, railway openings. उनको ऐसा लगता था कि मेरे को शायद advertising में job नहीं मिल रहा है, तो शायद कहीं government job लग जाएगा, हो जाएगा. मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ बोल के आई यूज टू गो टू फार्म्स एंड वॉलंटियर. उनको लगता था कि इसको जॉब नहीं मिल रहा, इंटरव्यू फेल हो रहा है. बट दैट वाज अ चॉइस दैट आई मेड बिकॉज माय व्हाई वाज वेरी क्लियर. व्हाई एंड व्हाट ऑफ माय लाइफ वाज वेरी क्लियर दैट आई वांट टू स्पेंड अ लाइफ वेयर आई कैन गेट अप एंड वॉच द सनराइज, वॉच द सनसेट एंड देन गो आउट टू स्लीप. दैट वाज माय ultimate goal. Environment as a larger topic, I've been a part of the Save Bharati. I understand my limitations also. So I don't always go and protest, but there are farmers and Adivasis inside Hare that we work with. तो जो बच्चे हैं, जो अपनी जमीन पे टिके हुए हैं, हम उनके साथ काम करते हैं. हम उनकी लाइफ में वो जो एक कॉन्स्टेंट सोच सकते हो ना, कभी भी घर से बाहर निकाल देंगे, कभी भी उनका घर निकल जाएगा, रास्ते पे आ जाएंगे. मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो दे हैव दैट फियर, एनीबडी विल कम एंड किक देम आउट. टू लिव कॉन्स्टेंटली इन दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा इज नॉट ईजी. इट्स वेरी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ आर trauma of, you know, 8 lakh का पैकेज लो या 6 लाख का पैकेज लो. उनके लाइफ में कुछ कर सकते हैं क्या? वी डू कल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो. तो एनवायरमेंट बचाना मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं होता, एनवायरमेंट का हिस्सा हम भी है, हमको भी बचाना है. यू नो व्हेन यू थिंक ऑफ इंटरवेंशंस, द इंटरवेंशंस दैट आर मोस्ट इफेक्टिव आर द वंस दैट आर नॉट डायरेक्ट.
If you want to ask questions about me also, that's fine. How I did something, what I did, it's okay. Need to explain me. So, when I quit my job, tabhi Mumbai mein hi Green Souls Foundation ka banne tha. Green Souls banke ek volunteer group tha. Everybody in that group was a volunteer. It was not some NGO or anything. And we had a mentor, Sir Julius Rego. Very passionate, very crazy man, given himself to environment. He was our mentor. And we ran 5 farms in 5 different locations in Mumbai. They were in juvenile center. Juvenile center matlab bachon ka jail. Wo bolte bhi aise hi the, bachon ka jail. One of the most depressing places I've ever been to. Ek orphanage ke rooftop pe tha. Ek women rehabilitation center, matlab auraton ka jail. Aur ek कैंसर पेशेंट हॉस्पिटल में था, टाटा कैंसर पेशेंट हॉस्पिटल खारदोना. सो आई स्टार्टेड गोइंग देयर. वी वर ऑल डूइंग वर्किंग. उधर कोई लेबर वेबर नहीं था. हम वॉलेंटियर्स जो थे वही वी वर मैनेजिंग द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ दोज फार्म्स. प्रॉफिट प्रोडक्शन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. वी वर मैनेजिंग द कल्चरल एस्पेक्ट्स. वर्कशॉप्स करने हैं, टॉक्स करने हैं, लोगों को इकट्ठा करना है, अवेयरनेस करना है. We were doing everything. And this holisticness in that farming na, is what I think was very beautiful. क्योंकि ऐसे नहीं है मैं अकेले किधर तो विधर में कड़कती धूप में मैं कुछ डिग कर रही हूँ, you know, and I'm struggling for anything. I had community. I had cultural scope for my cultural. आपने बोला था ना to give back something to the society. वो feeling जो था मेरा वो satisfy हो रहा था. जो स्कूल में मैंने ज्योग्राफी ज्योमेट्री मैथ सीखा है ना वो मैं उधर फार्म पे बैठ के फिर से गूगल कर रही थी फॉर्मूले क्योंकि मैं भूल गई थी और यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी. मुझे बेड डिजाइन करना है, मुझे क्या है पॉलीगॉन का एरिया कैलकुलेट करना नहीं आता, मुझे ज्योमेट्री मुझे सन डायरेक्शन देखना, मुझे ईस्ट वेस्ट भी नहीं पता था. सन उगता तो इससे है पर अभी दिन में 12 बजे तो ठीक है ऊपर रहता है. हाँ 12 बजे एग्जैक्टली ऊपर रहता है. वो टाइम पे कैसे बताओगे ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है. सो मेनी थिंग्स दैट आई लर्न्ड इन स्कूल बट हैड फॉरगॉटन आई रीलर्न. सो फॉर मी फार्म दैट दोस फार्म स्पेसेस इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कूल, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब एंड ऑफिस एंड इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी बिकॉज you are with a community, you are with your like-minded people, you are working together. So I think that's the reason why मैंने farming नहीं छोड़ा. अगर वो अलग picture होता, अगर मुझे कहीं जैसे आपका नाम नहीं पता but if you have to go back to Odisha, समझो कि नहीं मिला engineering में कुछ job और वापस ओडिशा में जाके खेती करनी पड़ी तो वो सारा जो डिप्रेशन है कि यार मैं फेल होके फिर से घर से घर पे आया हूँ. अब गांव वाले भी बोल रहे कि यार ये तो इसका तो नहीं चला. एंड देन यू आर डूइंग इट ऑल अलोन. दैट इज डॉन्टिंग. सो आई होप आई एम गिविंग यू लाइक हिंट्स, यू नो, लाइक व्हाट इज इट दैट वी कैन चेंज, व्हाट इज इट दैट वी कैन डू. इवन वेन इट कम्स टू सेविंग एनवायरमेंट, एक इंसान का काम है ही नहीं वो. उसके बाद फिर मैं सीखते गई फिर वी स्टार्टेड टेकिंग अप मोर पर्सनल प्रोजेक्ट्स फॉर पीपल डेवलपिंग हेयर फार्मलैंड्स. देन NGO स्टार्टेड कॉलिंग अस कि हमारे किसानों को आप कुछ नया आपके तरीके सिखाओ. सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आई विल शेयर. डोंगरी में जो जुवेनाइल सेंटर है वहाँ पे हम लोग जाते थे और 5-5 बच्चों को बाहर बुलाते थे हमारे साथ खेती करने के लिए. उनका जो एक वो जो पैच था वहाँ पे एक जब बच्चों को पता चल गया ऐसा ये 5 बच्चे इसके लिए बाहर जा रहे हैं वो लोग हमारे कान चबाने लग गए. दीदी हमारा नाम, अगले बार हमारा नाम, अगली बार हमारा नाम. बाहर निकलना था उनको. उसमें से एक बच्चा था जो शायद डोमेस्टिक अब्यूज हुआ होगा घर पे. ही वॉज लाइक मैं जाके अपने स्टेप फादर को मैं मार डालूंगा उसको. हमने उसको कुछ भी उगाने को बोलो वो तोड़ देगा.
उसको कुछ नहीं करने में बोलो वो उधर जाके खोदना शुरू कर देगा। फिर हमने सोचा इसको खुदाई, जब भी खुदाई का काम होगा ना इसको बाहर बुलाएंगे, इसको खोद जितना चाहिए उतना खोद। आफ्टर 3 months दैट किड इज सेइंग कि मुझे ना माफ कर देना चाहिए उसको शायद। एंड हाउ ओल्ड मस्ट बी दिस चाइल्ड? नॉट मोर देन 10 years एट लीस्ट गेसिंग फ्रॉम हिज साइज। दैट इज द पावर ऑफ बीइंग विद नेचर। टाटा कैंसर सेंटर में जब हम काम कर रहे थे वहाँ पे एक वार्ड है, पेडियाट्रिक वार्ड है, जो बिलो पॉवर्टी जो बच्चे हैं, और पेडियाट्रिक मतलब आई थिंक 5 साल के नीचे के बच्चे जो बिलो पॉवर्टी कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट होता है। एक बिल्डिंग है वहाँ पे रहने के लिए उनको दिया गया है, पर अपना खाना पीना उनको खुद से अरेंज करना है। तो पेरेंट्स भी वो बच्चे के साथ ही आएंगे ना, इतना छोटा बच्चा अकेले तो नहीं आ सकता। तो पेरेंट्स अपना काम धंधा, मजदूर है, 90% किसान थे और वो पंजाब से थे, पंजाब हरियाणा वो साइड से थे। वो अपना सब काम धाम छोड़ के इधर आए, वो जिनका डेली वेजेस पे उनका पेट पलता है वो इधर आए हैं बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए। सब दे तो दिया अपने फ्री, लेकिन खाना खुद का अरेंज करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो हम 3/4 acre में फार्मिंग करते थे उधर, और वो सारा खाना उन फैमिलीज को जाता था। ये लोग आके हमको बोल रहे, अरे आपने इसमें यूरिया नहीं डाला, अरे आपने इसमें ये नहीं मारा, अरे वीडीसाइड मारो, वो अनपढ़ किसान को भी ग्लाइफोस्फेट पता है, राउंडअप पता है। वो बोलते आपका खेती होगा ही नहीं ऐसे, ये तो कुछ भी नहीं आया, इसमें कुछ आएगा ही नहीं, आप क्या कर रहे हो। फिर वो देख के, वो खाना खा के, वो लोग आने लगे, बोलने लगे हमको आपके साथ काम करना है, आप दिन का मजदूरी मत दो पर हमको आपके साथ काम करना है, हमको देखना है। इनके लिए हमने फिर टॉक्स, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाने, ऐसे सब सेशंस भी बीच में फिर शुरू किए। पंजाब से पहले एक ट्रेन चलती थी, अभी दो ट्रेन चलती है। कौन सी पता है? पंजाब टू दिल्ली, कौन सी ट्रेन है? ये कैंसर स्पेशल ट्रेन। पूरी की पूरी ट्रेन भर के कैंसर पेशेंट्स जा रहे दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए। द वीट बास्केट ऑफ इंडिया। इसके बाद किसी ने हमको कुछ सच बताया ही नहीं टेक्स्ट बुक में। वो वीट बास्केट बना कैसे? ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में हुआ था, 58 इयर्स अगो। खेती, फार्मिंग एज अ कल्टिवेशन, एज अ ह्यूमन प्रैक्टिस शुरू हुआ है 11,000 इयर्स अगो। एंड द होल प्लैनेट इज द नेचुरल सिस्टम प्रोबेबली एग्जिस्ट 400 बिलियन इयर्स अगो। तो तब से जो ये खुद को चलाते आ रहा है वो मूर्ख है। हम ये 58 इयर्स के जो नए, यू नो, इन फ्रंट ऑफ दैट वी आर यंगर देन एन अनबॉर्न फीटस, पर हमको ज्यादा अक्कल है। किस लोग, किसान जो खेती कर रहे हैं वो जब आके बोलते हैं कि अरे पेस्टिसाइड नहीं डालोगे, फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो आएगा ही नहीं। अरे कैसे, उसके पहले कैसे आता था? दिस इज द रिजल्ट। व्हेन वी डोंट आस्क द व्हाई, वी डोंट कनेक्ट द डॉट्स, we don't connect the dots, then we get played by the system. Then we start thinking कि मुझे 8 lakh का पैकेज सेफ रखेगा, कैसे रखेगा वो नहीं सोचा ना। ग्रीन रेवोल्यूशन बाई इट सेल्फ केम फॉर अ वेरी डिफरेंट। माई ओन ग्रैंड फादर, आई नेवर मेट हिम, आई वॉज वेरी यंग एंड ही डाइड। वो अपना रिटायरमेंट के बाद गांव-गांव जाके लोगों को ये सिखाने के लिए जाते थे कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स कैसे मारने हैं। एंड ही वॉज अ पुलिस पर्सन। आई एम वेरी श्योर ही डिड नॉट गो विद द इंटेंशन ऑफ, यू नो, ये पेस्टिसाइड्स का बिजनेस बढ़ना चाहिए। ये पॉलिसी लेवल पे जो सोचने के लिए जो लोग बैठे हैं ना,
वो नहीं सोच रहे हैं और हम पैकेज में अटके पड़े हैं, हम अब्बा नहीं मानेंगे मैं अटके पड़े हैं, तो हम उनको कभी पूछेंगे नहीं क्या हो रहा है. पीपल लाइक माई ग्रैंड फादर, ही थॉट इंडिपेंडेंस तभी मिला था, ही थॉट कि इससे फार्मर की प्रगति होगी, उसका फसल बढ़ेगा, उसकी फसल बढ़ेगी. लेट मी डू दिस, ही वेंट विद अ पेट्रियोटिक इंटेंशन, पर वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या होंगे ये पॉलिसी मेकर्स को पता थे या पॉलिसी मेकर्स को भी नहीं पता होंगे, बट वो केमिकल जिसने बनाया है उनको तो डेफिनेटली पता थे. और आज मैं गांव-गांव जा रही हूँ, लोगों को सेंद्रिय खेती बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, तो सिखाने के बहुत सारे फार्मिंग, अर्बन फार्मिंग ग्रुप्स है, अभी भी एक्टिव है मुंबई में. खेती ही करो ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, पर वो एक जरिया है. मैं एक किसान बन के आइसोलेटेड काम नहीं कर सकती कि मरीन लाइफ में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जंगल में क्या हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं होता. सो यू स्टार्ट गेटिंग अवेयर, यू स्टार्ट मीटिंग वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, यू स्टार्ट मीटिंग बॉटनिस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स, इकोलॉजिस्ट, तो ज्ञान का भंडार भी बढ़ते जाता है. ये अपॉर्चुनिटी भी शायद किसान को दे सकते हैं हम, ये ऐसा भी कोई सोशल वर्क हो सकता है कि हम किसानों के लिए एक ऐसा एजुकेशन स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे उनके सेक्टर को और अच्छा और प्रॉफिटेबल और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सके, उसका उसको उतना सिखाओ. उसको ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एजुकेशन, अनदर स्टोरी फ्रॉम ओडिशा, आई एम सॉरी, प्लीज डू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम. डोंगरिया कोंड करके आदिवासी गांव, आदिवासी कम्युनिटी है, उनके गांव में हम गए, वो कास्ट है उनका, डोंगर पहाड़ पे रहते हैं इसलिए डोंगरिया कोंड इज अ कास्ट. वो लोग माउंटेन टॉप्स पे रहते हैं, एक टाइम पे एक सीजन में वो लोग 40 टाइप के क्रॉप्स उगाते हैं और उसके लिए वो सिर्फ उतना पार्ट माउंटेन का कट करते हैं जितना उनको चाहिए, जितना उनको जरूरी है. ऊपर का जो हिस्सा है माउंटेन के एकदम टॉप का उसको कभी नहीं छोड़ते, बीच का किधर का तो पार्ट लेते. क्यों? क्योंकि जब फार्मिंग हार्वेस्ट हो जाएगा, जो हमको जो चाहिए उतना हम निकाल लेंगे, तो ऊपर के जो वाइल्ड ट्री सीड्स है वो हवा से पानी से गिरेंगे नीचे, वो पैच फिर से रिवाइल्ड हो जाएगा अपने आप. इतनी समझ वो अनपढ़ आदिवासी को है. These people, when we went to their village, I was so happy. For the first time, एक गांव में जाने के बाद ऐसा हुआ है कि हमने उनको सवाल नहीं पूछे, उन्होंने हमको सवाल पूछे, and they were throwing questions at us. क्यों आए हो इधर, क्या देखना है तुमको, तुम्हारा शहर पसंद क्यों नहीं है, काम क्यों छोड़ा, like so many questions. They did not start the meeting. रात को जब हम गांव सभा के लिए बैठे थे, they did not start the meeting. Almost आधा पौना घंटा लेट किया, because उनकी औरतें गई थी बाजू के पहाड़ पे कुछ foraging करने के लिए. हमारी औरतें जब तक आएगी नहीं, हम बैठेंगे नहीं. That's the level of gender equality they have there. इनको कौन गया था सिखाने के लिए? उनके बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको पूछा कि आपको नहीं लगता आपको गांव, आपके बच्चों को जाके पढ़ना लिखना चाहिए, गांव से बाहर जाना चाहिए. वो बोले हमारे गांव के कुछ बच्चे गए, हम उनको क्या बुलाते हैं पता है. सॉरी, एज अ टीचर, इवन माय मदर इज अ टीचर एंड टुडे इवन आई फील लाइक आई एम अ टीचर व्हेन आई डू दीस सेशंस. नथिंग अगेंस्ट द एजुकेशन, बट ही सेड हम उन बच्चों को पोल्ट्री की मुर्गी बुलाते हैं. And I have been to tribal ashram schools to teach plantation programs हुए थे, तो to teach plantation programs मैं गई, मुझे इतना मतलब I should not use the word but I felt so stupid. ये बच्चे जो अपने parents के साथ रहें, अगर रहे तो मुझसे ज़्यादा environment समझेंगे और देखेंगे, उनको छीन ले, rip them off from their culture. Put them in the school जहाँ पे उनके ऊपर all kinds of abuse happen, emotional abuse और mental abuse तो सबसे ज़्यादा. इनको मैं जाके सिखाऊंगी environment के बारे में, वो बच्चे मुझे ऐसे
दिखा दे, प्लांटेशन करते टाइम मुझे बता दे दीदी ये वाली सब्जी है, हम ये वीड नहीं है, ये सब्जी है, हम इसको खाते हैं। दे नो अबाउट प्लांट लाइफ मोर देन एनी बॉटनिस्ट वुड नो। वो बुजुर्ग बोले कि ये पोल्ट्री की मुर्गियां बन जाते हैं, द वे दीज किड्स आर लिविंग इन दोस ट्राइबल स्कूल्स, दे आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर लिटरली लाइक द पोल्ट्री चिकन। कोई ब्यूटी नहीं है इनके लाइफ में, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इनके लाइफ में, कोई जॉय नहीं है इनके लाइफ में। ये बच्चे सीख पढ़ने गए हैं, पढ़ के कुछ बड़ा बनेंगे, क्या क्या पढ़ते हैं? लिखना पढ़ना तो इनको आता नहीं, ठीक से कोई उनको सिखाता नहीं है, राइट? एट द मोस्ट दे विल नो हाउ टू रीड अ फ्यू थिंग्स, काउंट अ फ्यू थिंग्स, दीज बिकम लर्नेड लेबर, लिटरेट लेबर। ना ये धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। ये बच्चे उनके गांव के, जो वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो पढ़ने गए, दे वेंट टू भुवनेश्वर एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम चाइनीज का घर गाड़ी। ये है उनका डेवलपमेंट, ये है उनका प्रोग्रेस। जबकि उनके घर पे वो लोग एक सीजन में 40 क्रॉप्स उगाते हैं, उनको साबुन और नमक के अलावा कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ता। फैब्रिक भी वो अपना उगाते हैं फॉर देयर पर्सनल चॉइसेस, दे माइट बी बाइंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट, बट दे ग्रो देयर ओन फैब्रिक। तेल भी उनका खुद का होता है, साबुन और नमक, बस दो चीजें। इनके घरों के प्लास्टर ऐसे बने हैं जो चमकते हैं, 50-60 इयर्स तक उनका प्लास्टर, और ये मिट्टी के प्लास्टर है, खराब नहीं होते। ये उनका एजुकेशन है। इधर ये ब्रिज 3 साल में गिर जाता है, मेट्रो बनते बस बन रहा है फिर भी गिरता है। उन्होंने बोला हमको कुछ पढ़ना बिढ़ना नहीं, हमको अपने हमारे बच्चों को कहीं नहीं भेजना है। उधर एक एनजीओ है जो वहाँ पे उनके साथ काम करता है, वो बोले हमको इंग्लिश सिखाओ, हिंदी सिखाओ, ताकि बाहर से कोई आके हमको मूर्ख ना बनाए, हमको मैथ सिखाओ ताकि जब हमारी औरतें मार्केट जाती है हफ्ते का बाजार लेके, तो उनको कोई मूर्ख ना बनाए, और थोड़ा बहुत साइंस अगर, बट वो एक्सचेंज में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम बोलते रहो हम सुनते रहेंगे, वी आस्क यू क्वेश्चंस, तुम क्या सिखा रहे हो उसमें वी आस्क यू क्वेश्चंस। That kind of confidence to see in a community which is so invisible for the masses was heartwarming for me to see. वो हम में भी नहीं है, right? मैं भी जब कॉलेज में थी नहीं बोल पाती थी, मैं भी मुझ में भी नहीं था वो confidence। आज भी कई बार मेरे को लगता है मुझे भी नहीं होगा। तो एजुकेशन सिस्टम वो नहीं होना चाहिए जो हमको तोड़ दे। आई एम सॉरी बट दिस इज ऑल नेसेसरी इफ वी हैव टू कम बैक टू सेव एनवायरनमेंट, बिकॉज विदाउट दिस वी कैन नॉट सेव एनीथिंग। वी आर नॉट सेविंग आवरसेल्व्स टुडे, हाउ कैन वी सेव एनवायरनमेंट? We are not saving ourselves from wrong decisions that we are making. And this does not mean leave engineering. It means do it mindfully. Do it with a reason. इनके serious बनो कि बहुत ज़्यादा हो गया है यार। बहुत इतना serious मत हो ना। It's a very beautiful life. And where you are, you can make your life beautiful from now. Thank you so much, ma'am. As we draw to a close in this enlightening seminar on environmental enrichment and conservation in agriculture, let us reflect on the profound impact our actions can have the world around us. Throughout our discussion, we have deep diving into the innovative methods and strategies aimed at harmonizing agricultural practices with the preservation of our planet's precious
ecosystem. So once again, thank you so much, ma'am, for this enlightening session. Now I would like to call Professor Pinky Vishwakarma ma'am to felicitate our esteemed guest speaker, Ms. Preeti Bhosle.